दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बाटला हाउस इलाके में एनआईए ने आईएसआई के एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आईएसआईएस के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं संदिग्ध आतंकी का नाम मोहसिन अहमद बताया जा रहा है। मोहसिन बाटला हाउस जोगबाई एक्सटेंशन में रह रहा था। यहां रहकर वो बीटेक की पढ़ाई भी कर रहा था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मोहसिन अफगानिस्तान और सीरिया में बैठे हैंडलर के संपर्क में बना हुआ था और लगातार उनका एजेंडा चला रहा था। पिछले कई दिनों से वो एजेंसियों के रडार पर था। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है, बाटला हाउस में एक बार फिर से साजिश की गई है, जहां एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस के आतंकवादी को पकड़ा है। पिछले कई दिनों से वो एजेंसी के रडार पर था। जून में ही एनआईए ने एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। मोहसिन अहमद बिहार के दानापुर का रहने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के जामिया नगर के जोगाबाई एक्सटेंशन के इसी मकान से नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एनआईए ने एक आईएसआईएस के सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है। और मोहसिन अहमद नाम का ये आईएसआईएस का सस्पेक्ट इसी जामिया नगर के जोगाबाई एक्सटेंशन के मकान नंबर 18/27 में जो टॉप फ्लोर है वहाँ पर अपने परिवार के साथ रह रहा था। एनआईए ने काफ़ी दिनों से इस पर नज़र रखी हुई थी और जो जानकारी मिली है कि ये लगातार जो आईएसआईएस के इसके हैंडलर हैं जो अफगानिस्तान और सीरिया में बैठे हुए उनके संपर्क में था। और बाकायदा यहाँ पर भी जो है कई युवा जो उनको लगातार रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जो एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया है। और अब फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है और इसके बारे में और कई जो जानकारी हैं वो सामने आएंगी, जिससे कुछ और गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में भी हो सकती हैं। कैमरा मैन भरत रावत के साथ विमल कौशिक, 24 दिल्ली।